सारी दुनिया की है। कहीं पत्नी से रेप की आजादी, तो कहीं लड़कियों के साथ रेप कर माँ बनाने का अधिकार, तो कहीं बिना पति के परमिशन के महिलाएं न तो नौकरी कर सकती है न विदेश यात्रा, और ये सब हो रहा है 21वीं सदी में। हैरानी की बात तो ये है कि इसमें हमारा देश भारत भी शामिल है। सबसे पहले बात भारत की, क्या आप रेप को जस्टिफाई कर सकते हैं? नहीं ना। लेकिन ये जानकर हैरानी होगी कि हमारे देश समेत 49 देशों में पति अगर अपनी पत्नी के साथ रेप करता है तो उसे दोषी नहीं माना जाता। अमेरिका के कई राज्यों में रेप के बाद रेपिस्ट पीड़िता से बच्चे की मांग कर सकता है, और ना चाहते हुए भी पीड़िता को रेपिस्ट के बच्चे की मां बनना पड़ता है। अमेरिका में हर साल करीब 32,000 महिलाओं के साथ रेप होता है, जिसमें से लगभग 35% मामलों में रेपिस्ट बच्चे का पिता बनना चाहता है। 10 साल की छोटी उम्र में जहां लड़कियां पढ़ाई लिखाई के सपने देखती हैं, वहीं सूडान में लड़कियों की इस उम्र में शादी करा दी जाती है, और देश का कानून इस बात का समर्थन करता है। ईरान में तो बिना पति के अनुमति के पत्नियां विदेश का दौरा भी नहीं कर सकती। बिना पति के सिग्नेचर के महिलाओं को विदेश जाने की परमिशन नहीं है। कुछ इस तरह का हाल टर्की में भी है। टर्की में महिलाएं अपने पति के परमिशन के बिना नौकरी नहीं कर सकती। जॉर्डन में इज्जत के नाम पर बेटी की हत्या करना कोई गंभीर अपराध नहीं माना जाता। देश के पीनल कोड के आर्टिकल 340 और 98 के तहत अगर महिला का मर्डर परिवार की इज्जत को ठेस पहुंचाने के लिए किया जाता है तो आरोपी की सजा को कम कर सकते हैं। रूस में भी संसद में महिलाओं के खिलाफ होने वाले घरेलू शोषण को अपराध नहीं माना जाता, और वहां की सरकारी रिपोर्ट की माने तो हर 40 मिनट में एक महिला की मौत अपने पति की वजह से हो रही है। ये सब सुनकर और देखकर हो सकता है आपका भी खून खौल उठा हो। डेवलप हो रहे दुनिया के इन देशों की सोच महिलाओं के मामले में आज भी बहुत पीछे है। जब किसी देश में महिलाओं को न्याय, सुरक्षा और तरक्की के सही अवसर नहीं मिलते, तब तक वो देश सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक तौर पर पीछे ही रह जाता है। बावजूद इन सब के कुछ देश ऐसे भी हैं जहां पुरुषों और महिलाओं के बीच की खाई न के बराबर है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2021 के मुताबिक आइसलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे, न्यूजीलैंड और स्वीडन दुनिया के टॉप 5 ऐसे देश हैं जहां महिलाओं को बराबर मौका मिला तो दोनों के बीच का फासला मिट गया, और ये देश वर्ल्ड हैप्पीनेस की रिपोर्ट में भी सबसे आगे हैं। हमारे यहाँ एक कहावत है कि जिस घर और समाज में औरतों को बराबर हक और सम्मान मिलता है वो हमेशा फलते फूलते रहते हैं।